जय जिनेंद्र बच्चों। अरे देखो तो, सबके सब छोटी छोटी सी थैली और हाथों में लाठी लेकर ये कौन से माउंटेन से आ रहे हैं? चेहरे पर थकान है, नंगे पांव हैं, फिर भी इतने खुश हैं। चक्कर क्या है? अरे ये तो इतना बड़ा पहाड़ है। क्या आप भी कभी ऐसे माउंटेन की ट्रैकिंग पे गए हो जिसको कंप्लीट करने पर आपको बहुत ही अमेजिंग लगा हो? आप जानना चाहोगे इस स्पेशल माउंटेन के बारे में? तो आज हम आपको लेकर चलते हैं भारत की एक ऐसी अद्भुत जगह पर जहां से 20 तीर्थंकर भगवान और उनके साथ साथ करोड़ों करोड़ों मुनि महाराज भी मोक्ष गए हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हम बात कर रहे हैं सम्मेद शिखर जी की। जिस किसी को भी सच्चा सुख चाहिए वो यहाँ की वंदना को आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र से करोड़ों करोड़ों मुनिराजों ने अपनी सोल को प्योर किया है और मोक्ष पाया है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को एक विशेष, एक स्पेशल अनुभूति, एक स्पेशल फीलिंग होती है। उनके भाव बहुत अच्छे हो जाते हैं, मन एकदम शांत हो जाता है। यहाँ आकर तो हमें इतना अच्छा इंस्पायरिंग लगता है कि मानो भाव ही हो जाते हैं इस संसार से मुक्त होने के और इस जन्म मरण के चक्कर से फ्री होने के। यह पूरा शिखर जी का पहाड़ एक विशाल मंदिर जैसा ही है, इसीलिए तो इसकी यात्रा शुद्ध प्योर कपड़ों में और बिना जूते चप्पल पहनकर ही करनी चाहिए। यात्री जो विजिटर्स होते हैं ना, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर पहाड़ पर चलना शुरू करते हैं। आपको पता है पहाड़ के ऊपर जाने का रास्ता 9 किलोमीटर्स का है, 9 किलोमीटर। रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर पेड़ और पानी के झरने भी आते हैं। सबसे पहले आता है गंधर्व नाला और फिर शीतल नाला, विच इज़ अ वाटर स्ट्रीम। उसकी आवाज़ तो मानो हर यात्री को आगे दर्शन करने के लिए प्रेरित करती है, उत्साहित करती है। इसके आगे चलकर आता है चोपड़ा कुंड और वहाँ तो एक बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है जिसके दर्शन करके यात्री आगे बढ़ जाते हैं। और 9 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी करके पहली टोंक आती है श्री गौतम गणधर स्वामी जी की। ये वो जगह है जहाँ से भगवान के पहले गंधर्व श्री गौतम स्वामी ने अपनी बॉडी को, अपने शरीर को छोड़कर सिद्ध पद को प्राप्त किया था। यहाँ के दर्शन करके मन गदगद बहुत हैप्पी हो जाता है। यहाँ से बहुत सारे शिखर और टोंक दिखाई देने लग जाते हैं। आपको पता है जिस जगह से भगवान जी मोक्ष जाते हैं तो वहीं पर सौधर्म इंद्र की आज्ञा से देव उन भगवान जी के चरण चिन्ह फुटप्रिंट्स बना देते हैं और उसी जगह को कहा जाता है टोंक। क्या कहा जाता है? टोंक। भक्तगण भगवान को अपने हृदय में, अपने हार्ट में रखकर और उनके जैसा बनने की भावना को भाते हुए हर एक टोंक पर, हर फुटप्रिंट पर अर्घ चढ़ाते हैं और वंदना करते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। धीरे धीरे सूरज आसमान में ऊपर चढ़ने लगता है और गर्मी भी बढ़ने लगती है, लेकिन उस गर्मी का भक्तों पर कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि उनका मन तो भक्ति से पहले ही शीतल हो चुका होता है। वंदना करते हुए चंदा प्रभु भगवान की टोंक आती है जिसमें की जो चढ़ाई है ना वो बहुत ऊंची है, बहुत स्टीप है, मगर फिर भी थकान ही नहीं होती और ऊपर पहुंचकर एक असीम शांति मिलती है। कुछ भक्त तो यहाँ पद्मासन लगाकर भगवान का ध्यान करते हैं। उन्हें लगता है जैसे वो चंदा प्रभु भगवान के चरणों में ही बैठे हों। धीरे धीरे वंदना करते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ टोंकों के बाद तो अभिनंदन भगवान की टोंक पर बहुत सारे बंदर दिखाई देते हैं। आपको पता है एक सीक्रेट? अभिनंदन नाथ भगवान का चिन्ह तो बंदर ही है। उसके बाद अन्य टोंकों के दर्शन करते हुए सबसे लास्ट में पार्श्वनाथ भगवान जी की टोंक आती है। यहाँ तक की यात्रा टोटल 18 किलोमीटर्स की हो जाती है। कितने भक्त तो यहाँ बैठकर ध्यान करते हैं
और चिंतन करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कैसे पार्श्वनाथ भगवान ने कमठ का घोर उपसर्ग सहा होगा, अपने अंदर के राग द्वेष बैड कर्मों को जीता होगा और भेद विज्ञान के द्वारा मतलब आत्मा और बॉडी को अलग जानकर कठिन तपस्या कर केवल ज्ञान प्राप्त किया होगा, और फिर कैसे उन्होंने अपने सारे कर्मों का नाश करके इसी पवित्र जगह से मोक्ष प्राप्त किया होगा। पूरे पहाड़ पर आप कहीं भी ध्यान करें, आपको ऐसा आनंद आएगा जैसा कहीं और आ ही नहीं सकता। इसके बाद 9 किलोमीटर लंबा पहाड़ से नीचे उतरने का रास्ता शुरू होता है। सभी बड़े छोटे यात्री उतरते हुए भी यहाँ मिले एक्सट्रीम आनंद के बारे में ही चर्चा करते जाते हैं। कुछ को अपनी यात्रा सकुशल पूरी होने का सुख है, कुछ को अपनी भागती दौड़ती जिंदगी से परफेक्ट ब्रेक मिलने का सुख है, और किसी को अपनी आत्मशुद्धि का रीजन मिलने का सुख है। इसी तरह से भगवान की भक्ति करते करते, भजन गाते गाते, स्तुतियां गाते गाते टोटल 27 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी होती है। ऐसे ही कुछ भक्त पूरे पहाड़ की परिक्रमा भी करते हैं जो कि अबाउट 54 किलोमीटर की होती है। इससे रिलेटेड हम आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं गणेश प्रसाद जी वर्नी जी की। वर्नी जी बहुत बड़े स्कॉलर थे। वो एक दिन पहाड़ की परिक्रमा लगाने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ निकले और कुछ दूर चलने के बाद तो वो रास्ता ही भूल गए। पहले यहाँ बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। हाँ, तो वर्नी जी सोचने लगे कि ये हम कहाँ फंस गए। चारों ओर घना जंगल, जंगली जानवरों का बसेरा और ऊपर से इतनी गर्मी। बहुत ट्राई करने के बाद भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं। सब तरफ घूम लिए लेकिन कहीं रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा था। भीषण गर्मी, सनस्ट्रोक के कारण प्यास की वेदना इतनी बढ़ गई थी कि ऐसा लग रहा था दैट आई एम गोइंग टू डाई, मेरी मृत्यु तो निश्चित है। वर्णी जी ने जैसे तैसे हिम्मत की और पार्श्वनाथ भगवान का नाम जपने लगे, मन ही मन भगवान से प्रेयर करने लगे, प्रार्थना करने लगे। पता है भक्ति में शक्ति होती है। और 4-5 कदम चलते ही उन्हें पानी का एक कुंड दिखाई दिया। उसमें तो बड़ा ही मीठा पानी था। पानी पीते ही उनकी शरीर की सारी थकान, सारी टाइटनेस दूर हो गई। सबने भगवान पार्श्वनाथ का जय जयकार किया और आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने पर उनके एक फ्रेंड ने कहा कि अरे आगे घना जंगल है, पता नहीं पानी मिले या नहीं, हमें उसी कुंड से पानी भर लेना चाहिए। और जब वे वापस मुड़े, उसी जगह गए, तो ये क्या, वहां कोई कुंड ही नहीं था। कुंड अचानक से गायब हो गया था। Everybody was amazed. सबने कहा जिस देवता ने भी इस घने जंगल में हमारी हेल्प की हो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। आपको पता है शिखर जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि भाव सहित वंदे जो कोई ताको नरक पशु गति ना होई। मतलब कि जो भी सम्मेद शिखर जी की बहुत अच्छे भावों से, बहुत अच्छे थॉट्स रखकर दर्शन करता है, वंदना करता है, वो कभी भी नरक में या तिर्यंच गति में जन्म नहीं लेगा। इसके लिए हमें पूरे पहाड़ की वंदना करते समय अच्छे से नीचे से ही नियम ले लेना चाहिए कि हम पहाड़ पर जाकर कुछ भी नहीं खाएंगे, और भावना करनी चाहिए कि जैसे ही करोड़ों करोड़ों मुनिराजों ने कठोर तपस्या करके मोक्ष प्राप्त किया है ना, ऐसे ही इस पावन भूमि पर हम भी उन मुनियों जैसे ही संयमी बनेंगे, तप करेंगे और अपनी आत्मा को पवित्र करेंगे। तो जाएंगे ना आप भी ऐसे सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करने, और करेंगे ना
ऐसे ही पवित्र भावों से वंदना। जय जिनेंद्र।